Yes. Okay, so this outfit has been made by my very dear friend Priyanka Sharma, so I'm wearing her outfit. And I'm wearing Sonam Sharma today. So I didn't do much. I told her that it's a mix of event of Dandiya and all. So she gave me this jacket, which is like a little bit matching with the Dandiya theme. So blue and black is today's theme of it. Thank you so much. Sir, मैं बहुत excited हूँ क्योंकि मैंने सारी ज़िंदगी सिर्फ भंगड़ा ही किया है. डांडिया मैं पहली बार करने वाला हूँ आज और मेरा ये पहला मतलब पहली बार मैं पर्सनली किसी डांडिया इवेंट पे गया हूँ. और ऑब्वियसली जब आप कोई चीज़ पहली बार करते हो और स्पेशली ये सीज़न है नवरात्रि का, तो इस सीज़न में तो मतलब हॉकी से भी डांडिया खेला जाता है इस सीज़न में. तो बड़ा एक्साइटेड हूँ, बड़ा अच्छा लग रहा है. और ये ड्रीम डांडिया एक्चुअली ये ड्रीम ही है. हमने कभी सोचा नहीं था, जो बचपन में पंजाब में जब बड़े हुए हैं जिस तरीके से कभी डांडिया कभी खेलेंगे, हमको लगता था कि ये सिर्फ फिल्मों में गानों वानों के लिए होता है. लेकिन जब मुंबई शिफ्ट करे, बाहर का कल्चर देखने को मिला, तब पता चला कि डांडिया कितना बड़ा पार्ट है सेलिब्रेशन का. और नवरात्रि के दिनों में तो मेरे को लगता नहीं कि इससे बड़ा कोई सेलिब्रेशन होता होगा ऑल ओवर इंडिया. सर, मैं बिना नवरात्रि के भी नवरात्रि वाला आदमी हूँ. मैं नॉनवेज खाता हूँ, ना मैं दारू पीता हूँ. तो मेरे लिए तो पूरा साल ही मेरे को लोग बोलते तो कैसा पंजाबी है. तो मेरे लिए तो नवरात्रि के पूरा साल ही नवरात्रि चलती है. लेकिन ना एक खास ध्यान रखते हैं कि नवरात्रि जब होती है तो घर से बाकायदा फ़ोन आ जाता है कि बेटा ये काम नहीं करनी, और हो सके तो रोज़ मंदिर जाना है, घर के अंदर मंदिर बना हुआ है. तो ये होता है. और हमारे जैसे यहाँ पर सेलिब्रेशन करते हैं, हमारे वहाँ पंजाब में नवरात्रि के फास्ट रखते हैं, वो पूरे फास्टिंग रखी जाती है. तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें नहीं खानी होती हैं, अलग स्पेशल फूड बनता है. तो उन चीज़ों का हम लोग भी ध्यान रखते हैं. और बाकी ये ध्यान रखते हैं, नवरात्रि आई है तो चलो चार इवेंट आएंगे, चार पैसे आएंगे, इस बात का भी बाकायदा ध्यान रखा जाता है. अपने मैनेजर को बोला जाता है कि नवरात्रि आ रही है भाई, चलो थोड़े पैसे कमाते हैं. बाकी तो आई थिंक मुंबई एक लौता ऐसा शहर है जहाँ पर हिंदुस्तान के हर कल्चर का फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है. इट्स वेरी गुड, और अच्छा लगता है आप जब किसी सेलिब्रेशन का पार्ट बनते हैं. मैं सिंपल ही हूँ, मैं कौन सा कढ़ाई थोड़ी हो रखी मेरे मुँह पर, एम्ब्रॉयडरी करा के थोड़ी घूमता हूँ मैं. सर ऐसे ही मतलब साल में मुझे लगता है चार पांच बार तो ढंग के कपड़े पहनने का मौका मिलता है. नहीं तो जैसा हम शो करते हैं उस शो में कभी हमको बैंक मैनेजर बना दिया जाता है, कभी हमको बैंड वाला बना दिया जाता है, कभी स्कूल टीचर बना देते हैं. तो लुक बड़ी सिंपल थी, आप ये देख लो, इस कलर का पजामा नहीं मिला. तो बड़ी सिंपल सी लुक है, मेरे को ब्लैक कलर का पजामा नहीं मिला और वाइट रंग का मेरे को कुर्ता नहीं मिला, इसलिए दोनों को मिक्स करके पहन लिया मैंने. और आजकल वही आप जो अच्छे से पहन लो वही फैशन बन जाता है. जय माता दी. नवरात्रि का सर मुझे ऐसा लगता है कि जो लोग गलत हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग सही हैं उनका जो इमेज डैमेज हुआ है उसको रिपेयर करने की जिम्मेदारी भी कुछ लोगों की होनी चाहिए. ऑब्वियसली सोसाइटी में ऐसी चीज़ें बहुत होती हैं, और ईव टीजिंग से लेके और ये सब जो सारी चीज़ें हो रही हैं सब होती हैं, ये सोसाइटी में होती हैं. सिर्फ हमारी इंडस्ट्री इसलिए टारगेट हो जाती है क्योंकि हम लोग ग्लैमर वर्ल्ड हैं, हम लोगों की तरफ कैमरा बड़ी जल्दी आ जाता है. अदरवाइज़ पूरी सोसाइटी में ये प्रॉब्लम है ईव टीजिंग की, लड़कियों को हरास करने की. तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए. हर आदमी को बराबर की अपॉर्चुनिटी जो है उसके टैलेंट पे मिलनी चाहिए. एंड जो लोग ज़िम्मेदार हैं उनको सज़ा मिलनी चाहिए, और जो लोग ज़िम्मेदार नहीं हैं, जो लोग इनोसेंट हैं, उन लोगों की अगर इमेज ख़राब हुई है तो उसको रिपेयर करने की किसी को ज़िम्मेदारी उठानी चाहिए, आगे आना चाहिए. और जो हम जो लड़के हैं, हम जो मेल हैं, हम भाई भी हैं, हम बाप भी हैं, हम बहुत सारे ऐसे रिश्ते हैं जहाँ पर हम वुमेन को बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी करते हैं.
तो एक ये परसेप्शन नहीं बनना चाहिए कि दुनिया में हर जो लड़का है या हर जो मर्द है वो ऐसा ही होता है. और ऑब्वियसली सोसाइटी में बहुत सारे इवल्स हैं, उनमें से एक ये भी है, और इसको दूर करने के लिए हम जो कर सकते हैं हमको करना चाहिए. एंड कुडोज टू ऑल द फीमेल हुआ कमिंग फॉरवर्ड एंड मी नॉट टू वेरी श्योर एंड ये नहीं होनी चाहिए थी. थैंक यू सो मच. थैंक यू. About what? About being here tonight. See, it's a nice feeling because being Indian, we celebrate all the festival, and being a Punjabi, you know, I love all the festival. I keep Navratri fast. And Mata Rani aayi hai, to Mata Rani ke darbar mein kehte hain ki jab hum garba karte hain, to basically hum unko pranam kar rahe hain. It's a sign. It's a symbol of Durga Mata. So. It's a great pleasure to be here and to be a part of this great event. Okay, and your outfit looks wonderful. Would you like to talk about Sorry, that? Come again? Your outfit looks wonderful. Would you like to talk about that? Is it? Well, honestly, I'll be very honest. It took, I think, 3.5 hours to get ready. But it's a great compliment. Thank you so much. This outfit, I only designed it. Acting is a full-time job, but with acting, I do fashion designing as well. I style clothes, I design them, a color combination and everything. So, you know, we girls, I always say there is one saying in this world, every girl is beautiful. Kisi ki aankhein achhi hain, kisi ki lips achhi hain, kisi ka chehra pura achha hai, kisi ki personality achhi hai. Lekin main manti hoon ki jiska dimaag bahut achha hai, wo sabse zyada khoobsurat hai, aur jiska dil bahut khoobsurat hai, वो तो बहुत ही अच्छा है. तो इट्स ओवरऑल अ पर्सनालिटी एंड इट शोज. दैट्स अमेजिंग. दोस आर ब्यूटीफुल वर्ड्स एंड थैंक यू सो मच फॉर कमिंग डाउन. थैंक यू. थैंक यू. लाइक माय फर्स्ट एवर एक्सपीरियंस हियर. आई लव इट. इट्स माय फर्स्ट नवरात्रि एंड आई थिंक आई टोटली एंजॉयड इट. आई गॉट अ लिटिल मेहंदी डन एज वेल. सो थैंक यू फॉर हैविंग मी हियर. ग्रेट. ऑलराइट. एंड यू लुक ब्यूटीफुल. आई लव योर स्कर्ट. सो वुड यू लाइक टू टॉक Yeah, sure. This was inspired by my friend. He owns a brand called Pavan and Pranav. And it's really beautiful. It's very colorful. And I love it. It's cotton and it's perfect for this weather. Certainly. Okay, so Chaiki is a brand new baby. We deal with brand prosperity through public relations, digital marketing, social media, all of that. So, yeah. Okay. Thank you so much. Happy Navratri to everyone. Thank you. वेरी एक्साइटेड टू सी क्योंकि डांडिया में जाने का जो डर रहता है क्योंकि बहुत मॉब होता है और
बहुत गैदरिंग की वजह से हम लोगों को वो इन्जॉयमेंट करने को नहीं मिलता. बींग हियर आई फील वुड बी डिफरेंट बिकॉज इधर आई थिंक सब सेलिब्रिटीज़ को ही बुलाया गया है. सो इट्स काइंड ऑफ एटलीस्ट वन टू वन बात कर पाएंगे, मिल पाएंगे, इन्जॉय कर पाएंगे, डांस कर पाएंगे. सो डांडिया का एक मज़ा जो है वो लूट पाएंगे. ऑफ़ कोर्स इतना काम करने के बाद, स्ट्रेसफुल लाइफ के बाद, अगर सब एक दूसरे के साथ प्रेम से मिलते हैं और यही एक समय है जिसमें सब लोग इकट्ठे होते हैं, कोई धर्म की बात नहीं है, कुछ नहीं है उसमें, सिर्फ इन्जॉयमेंट है, संगीत है, डांस है, यू नो, तो उसका मज़ा लेने आते हैं लोग. हम लोगों ने तो दशहरे का पूरा मज़ा लिया है, हम क्योंकि मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में रामलीला का चलन था, डांडिया का कोई चलन नहीं था वहाँ. हाँ, प्रोग्राम हुआ करते थे और जहाँ रामलीला होती थी वहाँ एक कल्चरल प्रोग्राम रखा जाता था जिसमें आर्टिस्ट लोग आते थे और वो भजन भी गाते थे, गीत भी गाते थे और बड़ा अच्छा सा माहौल रहता था, लोग बैठ के देखते थे, वो मुझे भी याद है. लेकिन अब तो समय बहुत बदल गया है और बहुत अलग होने लगा है. हाँ हाँ, मॉडर्न हो गया है, डिफरेंट हो गया है, लोगों की सोच अलग हो गई है. वी डोंट गेट टू सी रामलीला हियर, रामलीला तो देखने को मिलती नहीं है. ये 10 दिन का जो रहता है राम के जन्म से लेके और रावण के दहन तक जो है वो देखने को नहीं मिलता. यहाँ सिर्फ डांडिया और डांस और संगीत और यू नो यही सब रहता है इधर. थैंक यू, गॉड ब्लेस यू ऑल. Well, first of all, huge thanks to Sangeeta, Gaurav, Chitranjan and Chaitanya for hosting this amazing Dandiya event. Team Dandiya, thanks for having me here. Thank you so much. मुझे याद है मैं अपने cousins के saris and dupattas. Can you hear me? मैं कह रही थी मुझे याद है कि मैं अपने कजन्स और फ्रेंड्स के दुपट्टास चुरा कर साड़ी की तरह ड्रेप करके डांडिया के लिए जाया करती थी एज अ स्कूल गोइंग किड. एंड देन आई हैड नो आइडिया ऑफ हाउ टू प्ले डांडिया, बट नाउ आई डू एंड टुनाइट आई विल शो माय मूव्स टू माय डियर फ्रेंड संगीता. My all-time favorite Dandiya song would be Pari Hu Main, Mujhe Na Chhuna. Yeah. I've always believed that an actor's acting abilities are not dependent on his or her sexual prowess. Yani ek actor ki acting capabilities us actor ke sexual prowess par bilkul depend nahi karti hai. In other words, aaj ki tareek mein sexism, prejudice and patriarchy
इन चीज़ों के लिए हमारी टॉलरेंस बहुत ज़्यादा कम हो चुकी है और ये साफ नज़र आ रही है. एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट मोर एंड मोर पीपल आर स्पीकिंग अप एंड सेइंग इनफ इज़ इनफ, नो मोर. दैट्स गुड. वी आर हेडिंग टुवर्ड्स अ टाइम वेयर देयर विल बी एब्सोल्युटली नो रूम फॉर अ रिग्रेसिव माइंडसेट. थैंक यू. आई वेलकम यू ऑल टू ड्रीम डांडिया. मुझे बचपन से ही डांडिया का बहुत शौक है, गरबा का बहुत शौक है और दुर्गा माँ का फेस्टिवल मेरा फेवरेट फेस्टिवल है क्योंकि मैं बंगाल से हूँ. सो अभी कुछ दिनों में मैं कोलकाता जाने वाला हूँ गरबा के साथ और हम बहुत मज़े करने वाले हैं. सो बिफोर दैट इट्स अ गुड वार्म अप. आई एम वेरी एक्साइटेड टू बी हियर एंड आई जस्ट वांट टू से जस्ट लेट अस गो एंड हैव सम फन. थैंक यू. बहुत सारी हैं. मैं एक्चुअली मैं बता नहीं सकता क्योंकि हम बचपन में वेल यार खाना पीना और डांस के बारे में ही है जो मेमोरी है. अब वो इतना एक्चुअली मेरी मेमोरी थोड़ी कमज़ोर है, हमको एग्जैक्टली तो याद नहीं है. बट हाँ कुछ चीज़ें हैं जहाँ हम यूज़ टू बी इन ग्रुप्स और हम दूसरे ग्रुप्स में देखते थे, एंट्री करते थे, हंसी मजाक होता था, इंटरेक्शन होता था दूसरे में गुड फ्रेंड्स. गुड पार्टी. सॉरी माय मेमोरी ऑफ नवरात्रि. आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन मुंबई. सो मैंने बचपन से डांडिया गरबा देखा है, खेला है. सिंस आई वाज लाइक 6-7 इयर्स ओल्ड सिंस देन आई एम प्लेइंग गरबा एंड डांडिया. सो यस इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. थैंक यू बहुत ज़्यादा. All thanks goes to Sangeeta Kapure, Chittaranjan Kapure, Gaurav Sharma और Chaitanya Akulkar जिन्होंने ये ड्रीम दांडिया ऑर्गेनाइज किया. बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि क्या होता है सेलिब्रिटीज़ को यहाँ वहाँ परफॉर्म करना नहीं मिलता, लेकिन ऐसे अगर इवेंट्स होते रहे और इतने अच्छे अच्छे तरीके से अगर ऑर्गेनाइज होते रहे तो डेफिनेटली हम भी खुल के नाच सकते हैं. सो थैंक यू संगीता, लव यू एंड इट्स अ ग्रेट इवनिंग एंड बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ के, बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है. थैंक यू जी. कई सारी है. मैं कोलकाता गई थी 2 साल पहले और वहाँ जाके वहाँ के पंडाल में नाच रही थी तो आई थिंक वो ज़्यादा यू नो इंटरेस्टिंग मेमोरी है. कोलकाता में नाचना, वहाँ के नवरात्रि में उनके पंडाल में जाके नाचना, आई थिंक दैट्स वेरी या डिफरेंट एक्सपीरियंस. चाइल्डहुड मेमोरी तो वैसे नहीं है, वैसे ज़्यादा मेमोरीज नहीं है, लेकिन यही दांडिया सीखने की एक जो मेमोरी है. हमें 10 दिन का एक वर्कशॉप मिला था करने के लिए और वहाँ पे हमें दांडिया सिखाया गया था. आई थिंक वो एक चाइल्डहुड मेमोरी हम बोल सकते हैं. अच्छा है लोग बात कर रहे हैं, खुल के बात कर रहे हैं. अभी बहुत लोगों के नाम आना बाकी है शायद, लेकिन अच्छी बात है कि सोसाइटी सुन रही है फाइनली और लड़कियां बोल रही है, खुल की बात कर रही है और मुझे लगता है हम एज ए सोसाइटी भी मैच्योरली ये सुन रहे हैं. ये बहुत अच्छी बात है. इसके आगे आई थिंक जो भी ऐसे हरासमेंट करेगा उसको थोड़ा यू नो डर थोड़ा पैदा होगा कि नहीं करना चाहिए, कभी भी नाम बाहर आ सकता है. तो आई थिंक इट्स अ वेरी वेरी गुड थिंग. Gonna be too much fun. There are so many pretty looking people here, pretty looking girls dressed in ethnic Indian, pretty everyone's looking so much pretty. So I'm sure we're gonna celebrate the festival being together, being colorful and being happy. तो मैं दिल्ली से हूँ और दिल्ली में डांडिया और दिवाली मेला almost साथ में होते थे. तो I remember we used to दिवाली मेला इस पर और डांडिया नाइट्स पे बहुत जाते थे जहाँ पे फाल्गुनी पाठक के शोज होते थे.
So I remember we used to, all my friends in school, we used to dress up in our lehengas and suits, and we used to especially go for Falguni Pathak's functions, like shows. All Falguni Pathak's song. Pari hume. Not a Gujarati, Navratri has always like been a massive part of my life, and I love playing Garba because I am a dancer, so I'm super excited to be here today. Would you like to talk more about your outfit? So today I'm wearing a Priya Chhabri outfit, so it's like a kurta with cigarette pants and a dupatta stole to go with it. So yeah. My childhood memories associated with Navratri. Okay, so when I was really young, I used to play like Dandiya with my cousins. And once while playing Dandiya, like the stick broke and it went into my eye. So after that, I decided no more Dandiya. So that's when I started playing Garba. So till date, I only play Garba. I don't play Dandiya at all. Because I'm like stick phobic. So yeah. Mere web series ke baare mein. So I'm doing a web series with Old Balaji that's called Punch Beat. So the shoot is like full on in progress and full swing. We just got done with the Dehradun schedule and we have the Bombay schedule left. So I guess it's gonna be a super hit. So yeah. Thanks to Ekta Ma'am and Lost Boy Productions, which is Vikas Sir. Super. Yes. Thank you. लेवल पे सब जगह जैसे पूरा पूरा ग्रुप जाता है फर्स्ट प्राइज लाता है सो हम सब जगह गए और हमने काफी सारे प्राइजेस लाए थे बट जब प्रोफेशनली इस फील्ड पर आ गई और काम शुरू हो गया तो सारा रूटीन सारी पास्ट लाइफ पीछे रह गई तो इसीलिए ये भी मेरा एक ड्रीम था कि कुछ ऐसा करना चाहूंगी जो इसीलिए मैंने इसका नाम रखा था ड्रीम दांडिया कि सबके छोटे-मोटे सपने क्यों ना हो अगर किसी एक लम्हे को मैं चुन सकूं और उसको अपने साथ जोड़ सकूं सो आई विल बी सो हैप्पी जी एक्चुअली ऐसे ही हुआ कि साथ में डांस हुआ एक गेट टुगेदर हुआ साथ में सब खाना खा रहे हैं बहुत सारी गॉसिप्स कर रहे हैं बहुत दिनों के बाद बहुत सारे लोग मिले हैं कुछ कुछ रोज ही मिलते हैं कुछ कुछ महीनों सालों के बाद मिलते तो सारे लोग इकट्ठा जुड़े हुए हैं और इसमें मुझे थोड़ा सा 1% मिला तो आई एम रियली हैप्पी विद दैट 1% कि मैं सबको दोबारा से जोड़ पाई हाँ शो तो अच्छा चल रहा है बट वो एक होता है ना फर्स्ट अटेम्प्ट में आपकी दिल की धड़कने बहुत तेज़ हो जाती है आपके पैर कांपने लगते हैं और शायद इसीलिए मैंने घाघरा पहना है कि किसी को पता ना चले कि मेरे हाथ पैर कितने कांप रहे हैं यस आई एम वेरी एक्साइटेड एंड आई एम वेरी नर्वस एट द सेम टाइम आई रियली वॉन्ट टू से थैंक यू टू एवरीबडी इंक्लूडिंग ऑल ऑफ यू मीडिया मेरे जितने भी सेलिब्रिटी दोस्त हैं मेरी जितनी फैमिली है सबको निधि को अंजलि को एंड डेफिनेटली इन सभी लोगों को जिन्होंने मेरे एक सपने को पूरा करने के लिए मुझे साथ दिया थैंक यू सो मच और अगले साल दोबारा इसी जोश के साथ और ढेर सारे परिवार के साथ मिलेंगे धन्यवाद आप सभी को नवरात्रि की बहुत सारी शुभकामनाएं विदा लेती हूँ आप सबसे संगीता कापूर शुक्रिया